प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और विधिवत आरंभ हो चुका है धनतेरस के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं नरक चौदस या रूप चौदस, जो दीपावली के आरंभ का एक और अद्भुत पर्व है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे दीपावली की तरफ। और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई द्वीज, और इन सब का जो पारस्परिक और आंतरिक संबंध है वो इतना अद्भुत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विद्वान वक्ता के माध्यम से जब हम उसकी वेदोक्त व्याख्या को सुनते हैं, उन पौराणिक, उन्हें हमारे तीज त्योहारों को पौराणिक आख्यानों में खनकते दमकते हुए उनसे सुनते हैं, तो ये लगता है कि क्या अद्भुत बात है भाई, सनातन परंपरा का ये सौंदर्य किससे छिपा है। तो चलिए एक बार फिर आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, रूप चौदस की भी, चौदस की भी, नरक चौदस की भी, और इसी के साथ एक बार फिर दीपावली की भी। तो आज समझेंगे कि इस पर्व का क्या अर्थ और क्या महत्व है, और इसी के साथ इससे जुड़ी कुछ गाथाएँ हैं तो वो किस रूप में हैं, किस संदर्भ में हैं, और ये जो त्यौहार का ये पूरा उत्सव है ये कैसे हमारी रग रग में समाकर हमें उत्सव धर्मिता के वास्तविक आनंद तक ले जाए, ये भी मेरा एक बहुत जिज्ञासु प्रश्न उनसे रहेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, एक और अद्भुत विषय और आपके अद्भुत वक्तृत्व कला। देखिए, आपने एक मूल बात अपनी बात में कही, उसका चिंतन मैं कर रहा था। उत्सव को आपने इसमें समाहित किया कि हमारी सनातन संस्कृति के उत्सव, ध्यान रखिए अनेकों अनेक उत्सव आए, लेकिन उत्सवों में भी जो मोर मुकुट है वो ये पंच दिवसीय उत्सव है जिस पर हम बैठे हैं जी। ये उत्सव मनुष्य को, जैसे हमारे जो ऋषिगण थे, हमारी परंपराएं थी, और हमारे जो सनातन संस्कृत के जुड़े हुए आदि पुरुष थे, उनके चित्त में ये भाव आया कि शायद हमें हिलाने के लिए, हमें झंकृत करने के लिए, हमें इस माया में, संसार में वास्तविक आनंद से जोड़ने के लिए एक विहंगम उपक्रम भी किया जाए जी। ध्यान रखिए, सबसे पहले ये उत्सव 5 दिवस का क्यों महत्वपूर्ण है ये चिंतन समझिए, जिसके दूसरे दिवस की चर्चा करने हम आज एकत्रित हैं यहाँ पर। सबसे पहले तन का स्वस्थ होना जरूरी है, देहिक ताप मिटाने पर हमने अपनी चर्चा कर दी। तन स्वस्थ हो गया तो मन का स्वस्थ होना जरूरी है। जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक धन की पात्रता नहीं आएगी आपके पास, ध्यान रखिएगा। धन की पात्रता यदि मन मलिन है, मन में विषय है, तो फिर धन का आप भोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, धन का आप उपभोग करेंगे। भोग ऐसा हो जिसमें योग समाहित हो, जिस पर चर्चा हम अतिरिक्त रूप से करेंगे जी, जी। तो आपका मन स्वस्थ किया जा रहा है, फिर भोग के स्वस्थ करने के लिए आप धन की पूजा करते हैं और धन की देवी की आराधना करते हैं। अब तन मन धन तीनों आपका जब सुंदरतम स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, तब बात आती है आपके आत्मा की, तब आत्मा राम से मुलाकात होती ना, तब तो राम लौटते हैं अयोध्या में, क्योंकि आपके तन मन धन तीनों ठीक हो गए हैं, तो आप अनंत आनंद में हैं, तो आत्मा अनुभूति करते हैं, तो आत्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, और फिर तुम्हारे जीवन से जितने भी विषयों का बोझ है, जितने भी जीवन के संकट हैं, वो परमात्मा तुम्हारी मना स्थिति की शुद्धता देखते हुए एक छोटी उंगली में गिरिराज की तरह उठा लेते हैं और तुम्हारे जीवन में तुम्हें अनंत आनंद देते हैं। तब तुम्हारे जीवन में द्वैत समाप्त हो जाता है। अद्वैत का सबसे सुंदर रूप, द्वैत कहाँ है आज संसार का? द्वैत है स्त्री और पुरुष के बीच में। आप व्यग्र हैं इस वासना में, इस विषय में कि एक स्त्री और पुरुष के बीच कैसे संबंध किए जाएं, आपकी दृष्टि कैसी सुंदर हो। तब यमराज कहते हैं यमद्वितीया मना, तो भाई और बहन का प्रेम अद्वैत प्रेम है। वहाँ दो विरोधाभासी हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है, लेकिन तेरी दृष्टि में जब बंधुत्व जागृत हो जाता है तब तू अद्वैत हो जाता है। तो वो फिर आता है भाई द्वैत द्वज, ताकि तेरे को अद्वैत बना दे, फिर संसार में जब भी तू दृष्टि देखे तेरी दृष्टि में शुभता रहे, शुभता रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं नरक चौदस या रूप चौदस की, जिसका बड़ा सीधा सा संबंध मनाशुद्धेन विद्यते से है, मन की शुद्धता से है। आज रूपवान बनना है। दक्षिण में तो बहुत सारे लोग आज दर्पण देखते हैं। अच्छा अच्छा देखिए,
जीवन भर दर्पण दिखाया ना, कितने लोगों को आईना दिखाया आपने, आज आईना देखने का दिन है। ओह हा हा, वाह वाह, आज आईना देखने का दिन है। अपने रूप को देखिए और अपने स्वरूप और रूप के बीच के अंतर को निकालिए। एक बहुत सुंदरतम बात है, संसार में आत्म तत्व के ज्ञाता जो है एकादश लोग कहे गए हैं, 11 लोगों को प्रत्यक्षता ब्रह्म की अनुभूति का ज्ञान है, जिनमें जनक जैसे विद्वान हैं, सुखदेव जी हैं, राजा बलि हो गए हैं जो पाताल में विराज करते हैं, वेदव्यास जी हैं जिनको साक्षात ब्रह्म का ज्ञान है, बृहस्पति हैं, शुक्राचार्य हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, ऋषि नारद हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, और धर्मराज हैं जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, तो धर्मराज जो हैं वो ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उस सूक्ष्म तत्व को भी जानते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता आँखों से। तो ये जो 3 दिवस हैं, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या जो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा में वर्णित है, जिसे आप कठोपदेश के नाम से जानते हैं, उपनिषद में कठोपनिषद के रूप में जानते हैं आप, कठ उसमें कितनी सुंदरतम। ये 3 दिवस आपके जीवन के अमृत काल हैं। बहुत सारे लोग नरक चौदस है, नरकासुर का वध किया था कृष्ण ने, इसलिए नरक चौदस कहलाने लगा, तो लोगों ने उसको एक सीमित दायरे में रखा। आज नरकासुर की मुक्ति का दिन ही नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण ने आज शरच्छेदन किया था नरकासुर का। ध्यान रखिएगा, नरकासुर जिसे भौमासुर भी कहते हैं, जो पृथ्वी का पुत्र रहा है, परमात्मा ने उसका वध करके उसके पुत्र भगदत्त को राज दिया था। आज ही उन्होंने नरकासुर के उस प्रसिद्ध स्थान प्राग्ञ ज्योतिषपुर में आक्रमण किया था, सत्यभामा को गरुड़ पर आरूढ़ करके गए थे और नरकासुर का वध किया था परमात्मा ने आज। तो ध्यान रखिए, ये नरकासुर की व्यवस्था के कारण नरक चौदस हो गया, लेकिन मूल रूप से रूप चौदस क्यों है? तो यजुर्वेद की उस कट शाखा में जो कुछ वर्णन है वो अद्भुत है, अद्भुत वर्णन है। मैं जब भी उस प्रसंग को याद करता हूँ तो आत्मानंद में निमग्न हो जाता हूँ। ध्यान रखिएगा, वाजस्रवा एक ऋषि हुए हैं गौतम वंश में जी, ऋषि गौतम के वंश में वाजस्रवा, वाज का अर्थ होता है अन्न, इतना अन्न दान किया उन्होंने चारों तरफ चौतरफा कि उनका नाम ही वाजस्रवा हो गया। वाजस्रवा के पुत्र हुए ऋषि अरुणी, अरुणी तो ऋषि अरुणी जब उनके पुत्र हुए और उनके पुत्र हुए उद्दालक, उद्दालक उद्दालक विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं अपना सर्वस्व दान करने के लिए, सब धन दान करने के लिए, ताकि विश्वजीत हो जाए, विश्व में जो है जिनेन्द्री के रूप में पूजित हो जाए। और उनने उस समय का सबसे बड़ा धन गोधन होता था, इतनी गायें दी दान की, कोटि कोटि गायें दान कर दी उन्होंने चारों तरफ। लेकिन उनके एक अबोध पुत्र नचिकेता उन जाति दान की हुई गौवों के ऊपर नज़र डालते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बूढ़ी हैं, बहुत सारी बीमार हैं, रुग्ण हैं, दूध नहीं दे रही हैं। वो अपने पिता से उससे सहजता से प्रश्न करते हैं कि पिताजी, आपने अपना सब कुछ दान कर दिया, ऐसी बूढ़ी गायें भी दान कर रहे हैं, ऐसे जिनको जो है सेवा ही करनी होगी, बड़ा कष्ट है इनके जीवन में, तो फिर मुझे क्यों रखा है, मुझे किसे दान करेंगे, मैं तो आपका सबसे प्रिय हूँ। पिता उपेक्षा करते हैं उसकी सहजता से, लेकिन जब बार बार वो कहते हैं तो पिता कहते हैं कि तुझे मैंने यम को दान कर दिया। तो जब वो सुनते हैं, आहा, मेरे पिता ने बिल्कुल वही बात जैसे राम को उनके पिता ने कहा था कि तू वन गमन कर ले, तो उन्होंने सुना कि यम के प्रति, तो उन्होंने तुरंत धर्मराज की इच्छा की। ये वही दिन है आज का जब उन्हें आत्म तत्व प्रदान कर रहे हैं धर्मराज, उनके दरवाजे पर पहुँचे वो धर्मराज के पहुँचे तो मालूम चला भीतर से कि बोले भाई वो बाहर गए हुए हैं कहीं अभी आएंगे। तो एक दिन, दो दिन, 3 दिन उसकी ड्योढ़ी पर बैठे रहे वो प्रतीक्षा करते। जल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, जब उनके दर्शन होंगे तब मैं लूँगा। अतिथि आया हुआ है, विप्र अतिथि आया हुआ है, अग्नि बैठी हुई है धर्मराज के दरवाजे के बाहर। धर्मराज आते हैं तो उनको सबसे पहले प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं कि आज तो मैं बड़ा पातकी स्थिति को प्राप्त हो रहा हूँ। उन्हें भोजन जल ग्रहण कराते हैं और उनसे कहते हैं कि जो अतिथि है वो अग्नि की तरह है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। आप बताइए, मैंने आपको 3 वरदान दिए 3 दिन के लिए। तो पहले वरदान में वो कहते हैं कि मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, मेरे पिता ने जो ऐसी गायें दान की है उससे जो नाराज हो गए हैं, जब मैं आपके दर्शन करके वहाँ पहुँचूँ तो मुझको वो पहचान जाए और मुझे क्षमा करिए, क्योंकि दूसरे लोक में पहुँचे हुए पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे में वो कहते हैं कि ये मनुष्य मरने के बाद जो है सारे लोग कर्म करते हैं,
मेरे पिता भी कर्म कर रहे हैं, ये यज्ञ फल फल श्रुति के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये क्या है स्वर्ग, इसमें क्या क्या होता है, इसकी कौन सी विद्या है, मुझे आप अग्नि विद्या की शिक्षा दीजिए। इतने प्रसन्न है उस छोटे कुमार के वचनों को सुनकर कि स्वर्ग की उस यज्ञ विद्या जिसे अग्नि विद्या कहा जाता है उसका नाम ही उन्होंने नचकेता अग्नि रख दिया। अच्छा अच्छा। तो जो लोग स्वर्ग की प्रति रुचि रखते हैं कि कैसे मिले स्वर्ग, तो उन्हें वो अग्नि विद्या जाननी चाहिए, अर्थात वो यज्ञ कैसे करें, कैसी आहुतियाँ दें, किन देवों को बुलाएं, किन देवों के समर्पण में कौन सा मंत्र पढ़ें, ये सब बनाते हैं। फिर उनसे कहते हैं ये ले लो स्वर्ग तुम। बोले नहीं नहीं, मेरे मन में एक जिज्ञासा और है, मेरे तीसरे वरदान में वो दीजिए कि मनुष्य जीते जी बड़ा स्वरूपवान बनकर संसार चक्र में रहता है और भोगता है, लेकिन मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है। बड़ा गूढ़ प्रश्न है। उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या वो प्रेत हो जाता है, क्या उसका फिर से जन्म होता है, जाता कहाँ है, दुनिया में आने वाले जाने कले जाने चले जाते हैं कहाँ, वो प्रश्न कर रहा है, कहाँ चले जाते हैं। कोई लोग कहते हैं कि किसी किसी लोक में जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, आत्मा का कोई स्वरूप है, क्या है आत्मा। आज आत्म तत्व की शिक्षा का दिन होता है। वो उसे प्रलोभन देते हैं, अरे छोटा बच्चा है क्या आत्मा को जानेगा, स्वर्ग ले ले, अजीवन ऐसा जीवन ले ले जो कई सौ वर्ष जिए, अप्सराओं को ले ले, संसार के सुख ले ले। लेकिन वो कहता है नहीं, ये सब नश्वर हैं, अनित्य हैं, मुझे तो नित्य आत्मा के दर्शन कराइए, उसकी अनुभूति कराइए परमात्मा, ताकि मेरा रूप सुधरे, मेरा स्वरूप सुधरे। धर्मराज की परीक्षा में खड़े उतरने पर आज वो उन्हें श्रेयस्य प्रेयस्य मनुस्मितस्तो संपरित्या विविनक्त धीरा, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेशो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। आज वो उन्हें श्रेय पद बताते हैं, आज वो उन्हें हृदय रूपी गुहा में विद्यमान रहने वाले साक्षी परमात्मा की अनुभूति कराते हैं, आज वो उन्हें नित्यानंद प्रदान करते हैं कि संसार नष्ट जब होता है तो ये आत्मा फलाफल के लिए जो भक्ति है उससे मुक्त रहकर कैसे ये अणु अपने उस परमाणु से मिल जाती है जिसे परमात्मा कहते हैं, कैसे कण कण, युवाओं की भाषा में बात करें तो कैसे हम गॉड पार्टिकल में समाहित हो जाते हैं, कैसे ये पार्टिकल हमें दिखता नहीं है, कैसे हम ढूंढने पर भी नहीं प्राप्त कर पाते उसे, क्यों हम बेचैन रहते हैं संसार में, क्यों हम दौड़ते हैं। तब वो उन्हें इस नश्वर काया के विनाश की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हम हैं तो आत्मा लेकिन जंतु बन जाते हैं, जीव जंतु जो जंत्रित हो गया, बंद गया माया में, वो जंतु बन जाता है। तो आज आईना देखिए घर में, तैयार होइए और बदलते हुए पल पल बदलते हुए शरीर को देखकर चिंतन करिए। पल पल बदलता है, जिस स्थान में तुम बैठकर उठते हो उस स्थान में माइक्रो वो फिट करके देखो तो तुम्हारे शरीर की कितनी कोशिकाएं वहाँ चली गई हैं, तुम रोज झड़ रहे हो, रोज तुम्हारा शरीर पतन की ओर प्राप्त हो रहा है, तुम शरीर नहीं हो। तो जैसे ही तुमने अपने आप को शरीर माना तुम जंतु बन गए, वही जीव जंतु बन गए, तुम जंतु नहीं हो, तुम वो तन मात्रा हो जो परा प्रकृति परमात्मा से मिले हुए हो। तो आज आत्म तत्व का वो उपदेश देते हैं और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। तो आज आत्मावलोकन का दिवस है, क्योंकि जैसे ही आप भीतर प्रवेश करते हैं ना अपने अंतर्मन में, आपके सारे कष्ट निकलने शुरू हो जाते हैं, खत्म, कुछ नहीं। आज आनंद का दिन है, आज चुपचाप खुली जगह पर खड़े होकर, छत पर, सड़क पर, किसी हवाओं के बीच में, परिवार के बीच, निश्चल मुस्कुराने का दिवस है। क्या बात, आज सुंदर अपने आज अंदर के सौंदर्य को देखने का दिवस है। तो आप देखिए, अगर आपके अंदर मलिनता है, अगर आज आपके अंदर जो है किसी प्रकार के विकार हैं, विकारों में क्या है, आज भेद मिटाने का दिन है, आज शत्रुता भूलने का दिन है। आपने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, मैंने हमेशा अनुभव किया कि बाह्य जो सौंदर्य है क्षणिक है, और जैसा मैं देखता हूँ आपके व्यक्तित्व पर भी दृष्टि डालता हूँ तो उसका एक सौंदर्य अलग है। ऋषि मुनियों के सौंदर्य को हमने अलग देखा, जटाजूट है, सूखे बाल हैं, लेकिन आंतरिक सौंदर्य की तरफ झांकना ये दृष्टि बड़ी कठिन है, लेकिन आज का दिन जैसा आप बता रहे हैं कि उसी तरफ चल रहा है।
आज आईना मन का ही देखना है। जब स्वयं आईना आप देखते हैं तो वो कौन सा आईना देखते हैं? वो मन मुकुल को आईना देखते हैं। आज मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखते हैं। देखिए, बाहर का सौंदर्य पल पल बदलता है, तो आप बदलने वाले सौंदर्य को देखेंगे तो कहीं पतझड़ दिख जाएगी, कहीं बरसात दिख जाएगी, कोई सुंदर दिख जाएगा, कोई कुरूप दिख जाएगा, कहीं आपका मन लग जाएगा, कहीं लगे हुए मन से आप उच्चाटन को प्राप्त कर देंगे। जिसे सुंदर समझकर आप पीछे दौड़ा करते थे उसी को देख के घबराने लगते हैं ना कभी आप, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने जिसे देखा था वो सुंदर नहीं था। तो शरीर हमारा, देखिए, जब आप अपने साधन को साध्य बना लेते हैं, ये अनित्य है शरीर, लेकिन ये नित्य से मिला सकता है आपको। ये शरीर अनित्य है, एक रथ मिला है, लेकिन वो नित्य से मिला सकता है आपको। तो आप इसको साधन बनाइए ना, इसको उस स्वरूप में करिए ना। यही समस्या, यही विडंबना तो मैना के पास आई थी ना, जब उन्होंने परमात्मा शिव का वो स्वरूप देखा था तो उन्होंने कहा था, ये विष्णु जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी सुंदर इनकी देखो तो क्या रंग है इनका, ये इंद्र कितने सुंदर लग रहे हैं, इनका देखो तो एरावत हाथी पर बैठे हैं और ये बैल पर बैठ कर आ गए हैं, नंदी बैल पर, डूंडा बैल है, एक सींग भी टूटी हुई है और ऐसे बैठ कर आ गए हैं डूंडे बैल पर। तो शिव का वो सौंदर्य नहीं देखा, तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम है। आज उस सत्य रूपी सुंदरता को आत्मसात करने का समय है। वृथा गथा तस्य नरस्य जीवनम, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यस चार चित्रम, और हरी रंग पद में मनस्येन लगनम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आचार्य शंकर कह गए, आज गर्व को तिरोहित करने का दिन है, आज अहंकार के विसर्जन का वर्ष का आखिरी दिन है। आज विसर्जित किया हुआ अहंकार फिर बीज के रूप में धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तक वो बढ़ेगा, जैसे अपने घर की छतों पर कुछ बेल चढ़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, चढ़ जाते हैं ना, कुछ घास फूस बन जाते हैं, तो हम दिवाली की सफाई में क्या करते हैं, उनको घास फूस को हटाते हैं ना, निकालते हैं ना। तो आज घड़ी में सेल बदलने का दिन है। बहुत बढ़िया, आप समझिए, ये उद्धरण समझने का प्रयत्न करिए। ये नई 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 उदाहरण मैं अपने श्रोताओं को देना चाह रहा हूँ। कैसे एक घड़ी में सेल है, टिक 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 चल रही है, आप समय उससे देख के चल रहे हैं ना, तो आपकी घड़ी बंद हो गई तो क्या समय रुक गया क्या? तो आज घड़ी का सेल बदल दीजिए। कौन सा सेल बदल दीजिए? ताकि अनवरत चलने वाला समय आपकी घड़ी हो जाए। आप चलते रहें, रुके ना, जीवन अनंत यात्रा में चले, और आत्मा जब तक अपने रूप के साथ स्वरूप में समाहित ना हो जाए तब तक विसर्जन ना हो। तो आज आत्मा लोकन का सुंदर तंत्र है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि बहुत सारा समय तो हमारा बहुत अलग अलग प्रतीक और बिंबों में उलझकर व्यतीत होने का ही जीवन है हमारा। देखिए, जब वो आत्मस्वरूप की व्याख्या करते हैं तो एक बड़ा सुंदर दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वो सबसे पहले वही कहते हैं जो सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में कहा था, ओंकार उद्गीतम करते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि देखो, नाम और नामी एक हैं। वो कहते हैं जो ये ओंकार है, ओम का जो उच्चारण है, ये स्वरूप भी है, शब्द भी है, ब्रह्म भी है और परब्रह्म भी है। ये ओम को, इसलिए जो अच्छे साधक हैं, जो सनातन संस्कृति पर आस्था रखते हैं, आज वो अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर या दिन में स्नान करने के बाद ओम लिखते हैं, ओंकार ब्रह्म का प्रकाट करते हैं ओम, और तीन बार जो है वो अंतर्मन को शुद्ध करके ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इससे नाद प्रकट होता है। आपने जितने स्वरूपों को बांट लिया है उसने उतने स्वरूप में आपके मन का विभाजन ही तो कर लिया है। कितने टुकड़े हो गए हैं आपके मन के, मन के अलग अलग रंग आपने भर दिए, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग। आज मन को जो है अनंत आकाश के रंग में समाहित कर देना है। कभी आपने देखा नीलाम भुजम, जो आप कहते हैं बार बार, शांताकारम भुजक शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम मंत्र पढ़ते हैं, परमात्मा को जो है सदैव बार बार आपको बताया जाता है, रामचंद्र जी भगवान का स्वरूप कैसा है, वो तो बिल्कुल शांत चित्त आकाश की तरह है। परमात्मा का स्वरूप कैसा, कर्पूर गौरम है। ये स्वरूप आकाश के साथ अनंत क्यों कहा जाता है? कोई भी रंग आकाश में पहुंचता है तो अलग से दिखता है। जब सूर्य की किरणों से
सप्तरंगी छटा बनकर निकलती है बादलों में, मेघों में पड़ करके, तो वो उस आकाश में एक अलग सी रेखा के साथ पृथक दिखता है। आकाश नहीं हो जाता सात रंगों का, इंद्रधनुष अलग से आकाश में दिखता है कि देखो ये सतरंगी है। तो आज अपने मन को आप रंगों से विरक्त कर दीजिए ना, स्वरूपों से विरक्त कर दीजिए ना, रूपों से विरक्त कर दीजिए ना, और फिर खड़े होइए उस मन रूपी दर्पण के सामने जहाँ मीरा सुंदर लगती है, जहाँ ध्रुव सुंदर लगते हैं, जहाँ प्रहलाद सुंदर लगते हैं, और जहाँ भक्त में भगवान का रूप दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। और तो आज उठाइए रूप चौदस के दिन, दर्पण उठाइए, लेकिन इस दर्पण में अपनी उस छवि को मत निहारिए जिसको परंपरागत रूप से आप निहारते चले आ रहे हैं। आज की छवि के अलग अलग स्वरूपों को देखिए और उसका एक गहरा मनन विश्लेषण करिए, और मन से, आत्मा से जो उठने वाला नाद है, स्वर है, उसको सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि यही वो सेतु है जो उससे जोड़ता है। कितनी सुंदर बात है नचिकेता अग्नि, कितनी सुंदर बात है। आप देखिए हमारे वैदांतिक दर्शन में कितनी अद्भुत बात है। यम नचिकेता संवाद एक अद्भुत संवाद है, न सिर्फ भारतीय मनीषा का बल्कि वैश्विक संदर्भ में आप देखें तो इतना सुंदर संवाद या डायलॉग आपको बहुत विरले ही मिलता है। तो एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं, और आगे अभी बहुत कुछ है इस पंच दिवसीय पर्व पर। डॉक्टर साहब के विद्वतापूर्ण आख्यानों के साथ हम न सिर्फ स्वयं को ढूंढ पाते हैं बल्कि अपने परंपरा की अनमोल थाती से भी हमारा साक्षात्कार होता है। बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में पंच दिवसीय इस पर्व के एक और आयाम के साथ उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।